तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजीत पवार का संबोधन खत्म हो गया और इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही। उनकी तरफ से कहा गया बीजेपी में 75 साल में नेता रिटायर हो जाते हैं। शरद पवार के लिए कहा आप कब रुकेंगे, आप तो 80 पार कर गए हैं, शरद पवार अब आराम करें, ये कहा गया। अजीत गुट के एमएलए के लिए बस लाई गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। संबोधन उनका खत्म हो गया है। पटना में विपक्षी बैठक में मनमुटाव हुआ था, ये भी अपने संबोधन के दौरान बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई है। और पवार साहब आप किस बात पर अड़े हुए हैं, अजीत पवार ने अपने संबोधन के दौरान पूछा। नरेंद्र मोदी का 2024 में कोई विकल्प नहीं है, ये भी उनकी ओर से अपने संबोधन में कहा गया। साथ ही साथ तमाम बातों में उन्होंने कहा कि अगर मैं चुप रहा तो लोग समझेंगे कि खोट है, ऐसे में ये तमाम बातें मैं अपने कार्यकर्ताओं के सामने रख रहा हूँ। मंत्रिमंडल में हमें 9 सीटें मिली हैं और भी कुछ मंत्री पद मिलेंगे, ये भी अजीत पवार की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ जितेंद्र आवाड़ उनका नाम लेते हुए कहा गया है कि उनकी वजह से कई लोग पार्टी छोड़कर चले गए। तो बता दें आपको तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बस लाई गई है जिसमें अजीत गुट के जो तमाम विधायक हैं जो उनके समर्थन में खड़े हैं उनके लिए बस लाई गई है। इस वक्त ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आप मंच की देख रहे हैं जहां पर अभी कुछ देर पहले संबोधन हो रहा था अजीत पवार का, और ये अपडेट हमें मिल रहा है कि अजीत गुट के जो विधायक हैं उनके लिए बस लाई गई है। तो बस से ले जाएंगे इन विधायकों को अजीत पवार, अजीत गुट के एमएलए के लिए बस लाई गई है, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन अपने संबोधन के दौरान शरद पवार पर बहुत कुछ उन्होंने कहा और कहा कि अब वक्त आ गया है कि शरद पवार आराम करें। और एक और महत्वपूर्ण बात जो उनकी तरफ से कही गई उसमें ये कि एनसीपी का नाम और निशान दोनों ही हमारे पास रहेंगे। अब तक अगर नंबर गेम्स की बात करें तो नंबर में 32 विधायकों का साथ होने का दावा किया जा रहा है अजीत गुट के, तो वहां 16 विधायक शरद गुट के साथ हैं इस बात का दावा किया जा रहा है। कुल विधायकों की संख्या एनसीपी के 53 है, लेकिन क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तो वरिष्ठ संपादक न्यूज 9 के किरण तारे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। किरण तारे जी, अजीत पवार के इस संबोधन को अगर आपने सुना हो, कई बातें उन्होंने कही और इस दौरान शरद पवार पर सीधे सीधे कई तरह के आरोप भी लगाए। अटैकिंग था, बहुत ही एग्रेसिव मूड में आज दिखे अजीत पवार। नॉर्मली इस तरह से शरद पवार का नाम लेकर वो कभी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन आज का अजीत पवार का रूप एक बहुत ही अलग रूप से था। सबसे बड़ी बात मुझे इसमें दिखती है कि उन्होंने 3 बार बोला कि भाजपा के साथ जाने का प्लान बहुत पहले से था। 2014 का उन्होंने जिक्र किया, 2014 में लोकसभा की जो सीटें थी 48 सीटें महाराष्ट्र में 48 सीटों में से राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी तीनों 16 16 16 सीटें लड़ेंगी, ऐसा प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया था, ऐसा बोला गया है। पहली बार अजीत पवार ने खुलासा किया है और अजीत पवार का कहने का मतलब है कि पिछले 10 सालों से लेकर आज तक हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का शरद पवार का मन था, लेकिन उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखते उसको टाल दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि हम शिवसेना का साथ नहीं छोड़ सकते। और पवार ने कहा कि शिवसेना तो एक कम्युनल पार्टी है, जातीयवादी पार्टी है, हम शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे। केवल इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनसीपी का अलायंस नहीं हुआ। लेकिन फिर अजीत पवार ने सवाल उठाया कि अगर शिवसेना जातीयवादी पार्टी है तो 2019 के बाद अचानक से शिवसेना कम्युनल कैसे हो गई, आपने शिवसेना के साथ सरकार क्यों बनाई। ये बहुत बड़ा हमला है शरद पवार की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने वाली बात।